फिर बाद में बहुत साल बीत गए, तीसरा बच्चा बड़े होकर राजा का मंत्री बन गया और बाकी दो दोस्त अपने दोस्त से तीसरे दोस्त से मिलने आए। पहले दोस्त ने बोला, एक दिन बाढ़ आने के कारण मेरा सब कुछ बह गया। दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं कुछ नहीं करता था, बस आराम करता था, इसलिए मेरा धन दौलत धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर बाद में राजा ने बोला, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। धन दौलत तो हमेशा आता जाता रहता है, शिक्षा ही हमें हमारे पास हमेशा रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शिक्षा ही है जो हमारे पास हमेशा रहती है और वो उस शिक्षा को हमसे कोई नहीं चुरा सकता। धन दौलत तो हमेशा आता जाता है। धन्यवाद। एक लड़का था मोनू, वो हमेशा बाहर का ही खाना खाता था। उसने अपना बैग फेंक दिया और उसने कहा कि पापा मेरे को पैसे दो, मैं बाहर से खाना लेने जा रहा हूँ। फिर उसके पापा ने कहा कि नहीं, तुम घर का ही खाना खाओ। लेकिन फिर वो चले गया वहाँ से। उसके बाद उसने अपनी मम्मी से कहा मम्मी आप दे दो मुझे पैसे, मैं लेने जा रहा हूँ। मम्मी कहती है ठीक है। फिर वह बाहर से पैसे लेकर आया, वो बाहर से अपने लिए कुछ चीज़ लेकर आया। उसके बाद वो एक दिन उसका बर्थडे आया, उसके पास खुली छूट थी कि वो सारा बाहर का खाना खा सकता है। उसके बाद उसके बहुत सारे मित्र भी आए थे। दिन उसके बाद उसने अपनी टीचर भी आई थी उसकी, और उसकी टीचर ने उसको एक गमला दिया और कहा कि ये जादुई गमला है, तुम इससे कुछ भी मांगोगे ये पूरा कर देगा। फिर मोनू को वह बहुत पसंद आया, उसने वो गमला लिया अपनी मम्मी से कहा उसने कि मेरे को पानी दे दो, मैं अपने गमले में पानी डालूंगा। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा ऐसा क्यों, ठीक है। उसने फिर उसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल दी। फिर उसके पापा ने कहा कि ये पौधा तो मुरझा रहा है। तो फिर उसने कहा कि मेरे को खाद दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चिप्स खाते हो ना, इसमें चिप्स को चूरा करके डाल दो। तो फिर उसने उसके अंदर डाल दिया और धीरे धीरे उसका पूरा पौधा खराब हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ही होता है, अगर तुम अपने अपने पौधे को या अपने पौधे को दो ऐसा चीज़ें। फिर वह मान गया कि अब से मैं भी घर का खाना खाऊंगा, अपने पौधे को भी पानी और खाद दूंगा। धन्यवाद। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा कहानी का शीर्षक है सच्चे दोस्त। एक दिन एक जंगल में एक हिरन रहता था और उस हिरन के दो और दोस्त थे, एक था चूहा और एक था कौवा। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में खाते थे, साथ में खेलने के लिए जाते थे, पूरा दिन साथ में रहते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और शिकारी को हिरन चाहिए था, तो उसने एक बड़ी सी जाल फेंकी। और उस दिन जब हिरन खेलते कूदते आ रहा था, बेचारा जाल में फंस गया। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ। फिर उसका आवाज सुनकर उसका दोस्त कौवा आया। काऊ काऊ काऊ, क्या हुआ? अरे तुम तो जाल में फंस गए, रुको अभी मैं कुछ करता हूँ। तो उसने चूहे को बुलाया। चूहा जल्दी जल्दी हिरन का जाल काटने लग गया। तभी ही एक तरफ से शिकारी आ रहा था और शिकारी को रोकने के लिए कौवे ने उसके सिर
एक पत्थर आया। फिर शिकारी ने चारों तरफ देखा पर कोई नजर नहीं आया। फिर कौवे ने दोबारा उसके सिर पे पत्थर डाला पर फिर भी कोई नजर नहीं आया। तब तक चूहे ने मेहनत करके हिरण का पूरा जाल काट दिया और हिरण भाग गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में अच्छे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। धन्यवाद। बुद्धिमान खरगोश। एक खरगोश की पहाड़ी के पीछे नदी के किनारे एक बस्ती थी। एक दिन खरगोश गलती से नदी के किनारे जा बैठा। वहाँ पे उसे एक लकड़ी का लट्ठा दिखा, वो उस पर बैठ गया। धीरे ही तेज हवा चलने लगी और तेज नदी भी बहने लगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी का लट्ठा आगे जाने लगा। खरगोश के लिए कूदने का मतलब होता कि पानी में डूबकर मर जाना, इसलिए वो यूं ही मुंह फुलाए नीचे देखता बैठा रहा। थोड़ी देर में वो दूसरे किनारे में पहुंच गया। वहां पे वो अकेले रहने लगा क्योंकि वो अपने परिवार से बिछड़ गया था। एक दिन वो अपनी माता जी को याद करते करते रो रहा था। उसी तभी एक घड़ियाल पानी में से निकल के आया और उसने ये बहाने मार रही है मुझे खा जाएगा, इसलिए वो दूर जंगल में जाके बोला कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। तभी घड़ियाल ने बोला कि तुम इसी किनारे हर रोज आया करना, तुम मुझे जंगल के बारे में। और चार गाय एक शेर। एक दिन की बात है, एक जंगल में चार गाय रहती थी। वह चारों एक दयालु मित्र थे। वह चारों एक बड़े घास के मैदान में घास खाते थे। एक दिन उनके बीच में झगड़ा हो गया जिसके कारण वह चारों अलग अलग घास के मैदान में घास खाने लगे। शेर ने इसका फायदा उठाया और एक एक करके सबको मार दिया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है। धन्यवाद। अंशिका कक्षा की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। एक आदमी कहीं जा रहा था, वह उसके साथ एक उसका एक घोड़ा भी था। वह जा जाके एक उसका घोड़ा गड्ढे में गिरा तो उन्हें बहुत कोशिश करी पर वो बाहर नामुमकिन रहे। तो वो बाहर निकलने में तो उन्हें सोच लिया कि अब वो नहीं निकलेगा, अब मैं उसे दफन कर देता हूँ। तो उसने सोचा कि फिर उसने एक मिट्टी का ढेर दिखा, इसलिए उसने सोचा कि चलो उसको दफन कर दूँ जैसे कि उसको कोई खा ना जाए। तो जब उसने दफन किया तो वो बाहर निकल गया था। तो उसने सोचा अगर मैं पूरा डाल दूं तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। धन्यवाद। अंशिका कक्षा चार। मैं कक्षा चार की छात्र हूँ। मेरी कहानी का शिष्य है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो रोज लकड़ियां काटने जाया करता था। लेकिन जब वो एक दिन लकड़ियां काटने गया, उस दिन उसकी लकड़ी उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गई और वह पेड़ से नीचे आके बोला, रोते रोते बोला, अरे मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी पानी में चल गई है। उतनी सी देर में एक पानी की देवी निकली और बोली बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वो बोला, माता मेरी कुल्हाड़ी पानी में डूब गई है और वह मेरे पास बस एक ही कुल्हाड़ी थी। फिर वो माँ बोली, रुको बेटा मैं अभी वह ढूंढ के लाती हूँ। वह गई पानी में और बाहर निकल के सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर आई और बोली, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? वह बोला, नहीं माँ ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर वह दोबारा पानी में जाके आई और बोली, ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? वो बोला, नहीं माँ ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तुम
मेरी कुल्हाड़ी तो एक साधारण लकड़ी की कुल्हाड़ी है। वह पानी में गई है। फिर माता दोबारा पानी में जाकर देखकर आई तो वह उसकी कुल्हाड़ी लेकर आई। वो बोली, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? वो बोला, हाँ माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। और वह धन्यवाद करते करते जाने ही लगा कि उसके बाद माता ने बोला, रुको बेटा, मैं तुम्हारे सच से प्रसन्न हो गई हूँ। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम ही लेकर जाओ। और वह धन्यवाद करके जाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। कहानी का नाम है मेरा स्कूल। कितना सुंदर है मेरा स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल फूल सुनहरे सबको भाते। इन्हें देखकर सब ललचाते। टीचर हमको पाठ पढ़ाती, नए नए बातें सुनाती, फूलों से गिनती करवाती। मेरी कहानी का नाम है हाथी और दर्जी। एक गांव में एक हाथी रहता था। वह रोज सुबह एक दर्जी की दुकान पर जाता था। दर्जी रोज उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। और एक दिन दर्जी की जगह पर उसका बेटा बैठा था। जैसे ही हाथी दर्जी की दुकान पर आया, लड़के ने हाथी के सूंड पर सुई चुबाई। हाथी नाराज हो गया। वह तालाब के पास गया और अपने सूंड में पानी लेकर वापस आया और उसने लड़के पर पानी छिड़क दिया। धन्यवाद। जिंदगी में सफलता बन पाओगे, कड़ी मेहनत जब कर पाओगे, जिंदगी में सफलता बन पाओगे। आलस से ना बनता काम, ना बन पाएगा दुनिया में नाम। आलस से ना बनता काम, ना बन पाएगा दुनिया में नाम। जो परिश्रम कर पाता है वही जग में जाना जाता है। जो परिश्रम कर पाता है वही जग में जाना जाता है। जन्म से ना कोई होता महान, मेहनत करे वह पाता है नाम। जन्म से ना कोई होता महान, मेहनत करे वह पाता है नाम। जब जब मेहनत रंग लाती, सोई किस्मत भी जग जाती। जब जब मेहनत रंग लाती, सोई किस्मत भी जग जाती। जिसके पास मेहनत का हथियार, सफलता मिले उसे बार बार। जिसके पास मेहनत का हथियार, सफलता मिले उसे बार बार। प्रधानाचार्य जी को प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। You liked it? Yeah. Almost, I guess, 40 students, almost 40 students have participated. And it seems you are sitting here are 40, 50 at the most. It means maximum participation in this competition, right? So that was the best thing. But next time we are going to make it little difficult for you. How? There will be shortlisting, there will be scrutiny, right? Only the best 4 students will be selected and will get an opportunity. But I'm so glad to say that it was the best, event or program I have witnessed till now. And don't forget to convey my thanks to your parents and whosoever has prepared you. Right? Because it seems that the props you have worked on, they're so nicely done. There are children who are, Kanishk, who is the child who is wearing this cap? Kanishk was again wonderful because his narration. So if you all have heard Kanishk, you must remember that actually the storytelling is done in that way. There should be some expressions. Voice up and down. And your facial expressions are also counting. Other than the props. Props were really, most of you had props and they were really very good. Very nice. And that helped you to, narrate the story and communicate to the audience very well. Okay. So there are certain things which I want to appreciate you, most of you. Memorization. This time, I saw most...